नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आप लोग आईपीएल के क्रिकेट के फैन हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। यहाँ पे जो है आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन है इसके तारीख की। कल आपको जो है आपको मैं बताया था मैंने वीडियो में ऑक्शन की तारीख, लेकिन भाई जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया उसके जस्ट बाद जो है एक नई अपडेट आई कि आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन है वो भाई 12 और 13 फरवरी को खेला, मतलब कि हुआ जाएगा बेंगलोर में। यानी कि जो है 12 और 13 फरवरी को आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होने वाला है बेंगलोर में। तो भाई आप लोग जो है तारीख को याद रखिए, क्या करें भाई, हमेशा जो है डेट बदलती रहती है, तो वो हिसाब से जो है मैं आप सभी को अपडेट देता रहता हूँ। सेकेंड बात, यहाँ पे जो है अब लगभग से ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है कि जो सीवीसी कैपिटल है वही जो है भाई अहमदाबाद के ओनर रहेंगे। बस जो है ना बीसीसीआई थोड़ा अपना टाइम ले रही है और आने वाले टाइम में ये लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे कि सीवीसी कैपिटल जो है ये अहमदाबाद की ओनर बनी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीसीसीआई की मीटिंग की। देखिए दोस्तों, बीसीसीआई की जो है मीटिंग होने वाली है, इसके अंदर जो है अहम फैसला होने वाला है आईपीएल 2022 के वेन्यू को लेके। हम सभी को पता है भाई, फिलहाल जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, वायरस का, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लीजिए इंडिया में अगर केसेस बढ़ते हैं, तब जो प्लान बी है, प्लान बी के हिसाब से अगर आईपीएल इंडिया में नहीं हो पाता है, आईपीएल आधा इंडिया में होता है और आधा आईपीएल कहाँ पे होएगा, इसको लेके जो है बीसीसीआई मतलब मीटिंग कर रही है, जहाँ पर खबर आई है कि इस बार का अगर मान लीजिए आईपीएल इंडिया में नहीं होता है तो आईपीएल जो है यूएई में नहीं होगा। हमको पता है भाई, जो दो आईपीएल हुए थे भाई मतलब कि लगातार, वो यूएई में हुए थे। अब अगर मान लीजिए कोई कारणवश, दुर्भाग्यवश अगर आईपीएल इंडिया में नहीं हो पाता है किसी वजह से, तब यूएई में जो है आईपीएल नहीं शिफ्ट होगा, वो जो है कोई और देश में शिफ्ट करने की बातचीत निकल के आ रही है, इसकी जो मतलब कुछ है प्लानिंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की। भाई ये हैदराबाद अपना पूरा कोचिंग स्टाफ बदल रही है, जहाँ पे जो है खबर आ रही है भाई, जो लेजेंड है ब्रायन चार्ल्स लारा, यानी कि जो ब्रायन लारा है भाई, इनको हैदराबाद की टीम ने उनका बैटिंग कोच साइन कर दिया है। वहीं पे जो साइमन कैटिच है भाई, आपको याद रहेगा साइमन कैटिच ने आरसीबी की टीम को छोड़ा है 2022 में, लेकिन वहीं जो है हैदराबाद की टीम ने साइमन कैटिच को उनका नया असिस्टेंट कोच साइन कर दिया है। वहीं पे जो भाई हेमंग बदानी है, हेमंग बदानी जो है फिलहाल हैदराबाद की टीम के फील्डिंग कोच की भूमिका निभाने वाले हैं आईपीएल 2022 के लिए। ये था उनका सपोर्ट स्टाफ जो नया अपडेट हुआ है। दोस्तों बात करते हैं आईपीएल के प्लेयर के पूरे लिस्ट की, यानी कि जो कंप्लीट लिस्ट है भाई, किस प्लेयर ने नाम दिया है, कौन कौन ऑक्शन में जाएगा, कौन मार्क्यू प्लेयर होएगा, सबका जो लिस्ट है भाई वो आने वाले हैं जनवरी के दूसरे हफ्ते में। यानी कि जनवरी का जो दूसरा हफ्ता चालू हो जाएगा, इसके अंदर जो है हम सभी को मालूम पड़ेगा कौन कौन से प्लेयर अपना नाम ऑक्शन के अंदर दिया है। अगर आप सभी को जानना है तो सबसे पहले आपको भाई करना कुछ नहीं है, बस मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। यहां पे मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट्स देता रहता हूं। भाई नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं आरसीबी के नए कैप्टन की। देखिए भाई, विराट कोहली कप्तानी नहीं करेंगे, हालांकि आरसीबी की टीम ने मैक्सवेल को रिटेन किया है, लेकिन आरसीबी की टीम भाई, अब देखिए आपको बता दूं मैं, ये जो खबर है भाई वो 100% सही नहीं है, मतलब कि 100% ऑफिशियल खबर नहीं है। बस मेरे पास कुछ सोर्स के हवाले से खबर आ रही थी कि आरसीबी की टीम मनीष पांडे को भाई कप्तानी के तौर पे देख रही है। अगर आप लोग मतलब मनीष पांडे को फॉलो करते हो, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हो, तो भाई मनीष पांडे जो है ना डोमेस्टिक के लेजेंड है। डोमेस्टिक के जो है हर टूर्नामेंट मनीष पांडे अच्छा खेलते हैं, कप्तानी भी करते हैं, जिताते भी है, तो हो सकता है आरसीबी की टीम मनीष पांडे को भाई टारगेट करे, ऑक्शन के अंदर खरीदे और आरसीबी मनीष पांडे को उन्हें कप्तान भी बना के रख दे, ऐसी भी जो है हाई चांस है। आपको क्या लगता है कि भाई मनीष पांडे आरसीबी के सही कप्तान है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। ये 85 प्लस ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, जहां पे आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद की फ्रेंचाइज की। देखिए भाई, हमेशा खबर लखनऊ के फ्रेंचाइज को लेके आती थी, अब खबर आ रही है अहमदाबाद के फ्रेंचाइज को लेके, जहां पे जो है गैरी कश्चन, आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी, ये तीन जो नाम है भाई निकल के आ रहे हैं अहमदाबाद की कोचिंग स्टाफ को लेके। कौन कौन से नाम?
गैरी कश्यप, आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी, ये तीन जो है प्लेयर का नाम सामने आ रहा है कि भाई ये लोग जो है अहमदाबाद की कोचिंग स्टाफ में होने वाले हैं आईपीएल 2022 के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटका के फिनिशर की। भाई अगर आप लोग ने मुश्ताक अली टूर्नामेंट फॉलो किया है उसके अंदर जो है ना भाई जो टीम है भाई कर्नाटका, इनके लिए जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग की भूमिका निभा रहे थे, उनका नाम था अभिनव मनोहर। भाई बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मार रहे थे, तो यही जो है ना अभिनव मनोहर को राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज ने जो है अपने ट्रायल में बुलाया है। हो सकता है रॉयल्स की टीम ट्रायल इनका देख के ऑक्शन के अंदर से अभिनव मनोहर को ऑक्शन से पिक कर ले। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, जहाँ पे जो है इंग्लैंड की टीम ने उनका T20 का स्क्वाड भाई अनाउंस कर दिया। आप लोग देख सकते हो स्क्वाड कैसा है, कप्तान तो भाई रहेंगे ओइन मॉर्गन, लेकिन स्क्वाड के अंदर जो भाई जो खिलाड़ी एशेज खेल रहे हैं एशेज के प्लेयर को इंक्लूड नहीं किया गया, कुछ जो है नए नए प्लेयर्स को मौका दिया गया है इंग्लैंड के T20 स्क्वाड में जब वो जाएगी वेस्ट इंडीज के दौरे पे। एट दिन बात करते हैं बिग बैश लीग की, तो भाई बिग बैश लीग में एक टीम है सिडनी सिक्सर, तो भाई सिक्सर की टीम ने जो है पाकिस्तान के ऑलराउंडर शदाब खान को जो है भाई साइन कर लिया है रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग मतलब कि ये साल के लिए। तो शदाब खान जो है हम सभी को बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। ये थे हमारी आज की न्यूज़, वीडियो मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।